सर एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत तरह की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां काम कर रही है, लेकिन आप पिछले 21 सालों से एक एजुकेशन बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, क्यों सर? एजुकेशन तो हमारा क्या है, आपने निन्सल मंडेला का अगर नाम सुना होगा तो 22 साल के जेल के बाद जब निन्सल मंडेला साउथ अफ्रीका में जेल से निकले थे, जिसके बाद वो वहां के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने जेल से निकलने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट क्या था, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताऊं कि वो स्टेटमेंट था कि दुनिया को बदलने का जो सबसे शक्तिशाली हथियार है उस हथियार का नाम है शिक्षा। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ये कौन सी इंडस्ट्री है, एजुकेशन की इंडस्ट्री। और एक चीज और आपने देखा होगा जो अभी इंडिया के अंदर टैगलाइन चल रहा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, देखा है ना? यस सर। तो ये चीजें एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई। और सबसे बड़ी चीज है कि जब हम लोग ज्वाइन किए थे, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो उस समय 19 साल मेरा लाइफ हुआ था। और जो आपने कहा कि प्रोडक्ट बेस की बहुत सारी कंपनी है, वाकई में है, तो आप ये सोचिए कि अगर 19 साल के उम्र में मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज किया और ड्यूसॉफ्ट को चूज किया, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन देने वाली कंपनी। अगर ड्यूसॉफ्ट चावल दाल बेच रही होती, टूथपेस्ट और माउथवाश बेच रही होती, तो मैं नहीं ज्वाइन करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि उस समय मेरी पढ़ने लिखने की उम्र थी ना, पढ़ाई लिखाई वाले उम्र में अगर मैं किसी को प्रोडक्ट देने जाऊं तो लोग बोलेंगे तो सेल्समैन वाला काम कर रहा है। और किसी भी चीज के अंदर होता, हम लोगों ने जितना सीखा है समझा है उसमें ये देखा है कि जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट के आप एक यूजर नहीं होंगे ना, तब तक आप उसके प्रमोटर नहीं हो सकते। तो ड्यूसॉफ्ट का जो पैकेज था, मैंने शुरू में आपको कहा, आपको याद होगा कि जब मैं ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था तो उस समय तक मेरे पास ड्यूसॉफ्ट की एबीसीडी नहीं आती थी और कंप्यूटर के कीबोर्ड पे मैंने हाथ नहीं डाला। तो मैंने इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया, यूज किया, इससे खुद कंप्यूटर सीखा, समझा जाना, उसके बाद इसको प्रमोट करना शुरू किया। आज सोचिए कि ये प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट है कि आज मैं अपने घर के अंदर, मैं सीखा इस सिस्टम के जरिए, जब मेरे पापा प्रिंसिपल हुए उस समय कॉलेज के जरिए उनको जो है लैपटॉप दिया गया, तो मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि पापा एक छोटा सा कंप्यूटर का कोर्स आपको भी मैं दे देता हूं, कर लीजिए। बोला हम लोग का अब तो लाइफ खत्म हो गया, अब क्या है, आप तो रिटायर कर जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रिंसिपल माने लैपटॉप आ गया तो उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम जो बता रहा था कंप्यूटर, लिटरली मैं बोल रहा हूं कि जो हम लोग का बुक है, क्या नाम है बुक का, जो इंग्लिश वाला जो आता है स्टेप इनटू द फील्ड, क्या नाम है उस बुक का, स्मार्ट ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स, स्मार्ट ऑफिस प्रोफेशनल, वो छोटा सा बुक था और वो बुक मैंने अपने पापा को भेजा गांव और अपने एक एसोसिएट को बोला कि एक सप्ताह तक जाके पापा को थोड़ा सा लैपटॉप को समझा, एक सप्ताह के अंदर पापा ईमेल करना, ये करना, वो सारा सीख। और आज मेरे बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दोनों पटना की जो है बेस्ट स्कूल, वहां से स्कूलिंग कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि उस स्कूल के अंदर भी अगर एडमिशन हुआ, आप उस स्कूल को सर्च करेंगे तो आपको लगेगा कितना बड़ा स्कूल है, सेंट माइकल्स स्कूल पटना, मतलब ऑलमोस्ट 200 साल पुराने स्कूल है। ड्रीम होता है जो पटना में लोग रहते हैं या बिहार के लोग की उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़े, तो उस स्कूल में भी अगर आज मेरे दोनों के दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ड्यूसॉफ्ट का ही सबसे बड़ा हाथ, कि जहां पे नॉर्मल घर के बच्चे जैसे ही आप मोबाइल देंगे तो उसमें जो है वो गेम खेलने लगेगा, इधर उधर देखने लगेगा यूट्यूब, हमारे बच्चे आज भी वो ड्यूसॉफ्ट का जो किंडरगार्टन है, ड्यूसॉफ्ट का जो इंसाइक्लोपीडिया था, ये देख देख के इतना अच्छा किया कि जो स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन लिया गया तो एकदम पहले बार में ही निकाल। तो आप मेरे से ही अंदाजा लगाइए, दूसरे को आप छोड़ दीजिए, कि इस ड्यूसॉफ्ट में जो मैंने वो 10,000 रुपये लगाए थे उससे जो कमाए नहीं कमाए उसको छोड़िए, हिसाब किताब बराबर करते हैं, ये देखिए कि उससे मैंने अपने 3 जनरेशन को पढ़ाया, मैं खुद पढ़ा, खुद मेरी सॉफ्ट स्किल डेवलप हुई, खुद मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, मैंने अपने पिताजी को पढ़ाया और आज मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस तरह का जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये बिना एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट है, तो इससे बेहतर प्रोडक्ट क्या हो सकता है? और आपको पता है कि आज की तारीख के अंदर जिस एज में हमारे ड्यूसॉफ्ट यहाँ पे हैं, मोस्टली जो काम करते हैं हमारे साथ ड्यूसॉफ्ट में एसोसिएट्स, उनकी एज क्या है, 20 साल 22 साल 24 साल की है। तो 20 22 साल 24 साल के उम्र में मुझे लगता है कि ये एक जो है बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको साबुन तेल बेचने का शौक है तो वो 40 50 50 साल के बाद जब आपकी एज हो जाए, तो अनुराग सर के लहजे में बोलते हैं कि ये जो काम है ना, ऑनलाइन एजुकेशन का जो काम है, ये जो है कंधे से ऊपर का काम है, अनुराग सर बोलते हैं दिमाग का काम है, और जो प्रोडक्ट बेस वाला काम है ना, वो कंधे से नीचे का काम है, क्योंकि जहां भी जिसके घर जाएंगे बैग थाला लेके जाएंगे, 4 प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट
पॉसिबल प्रोडक्ट है जिस चीज की दरकार आज से पहले भी थी, सदियों पहले से, और इस चीज की दरकार सदियों तक रहेगी। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी खत्म होने वाला है, ना एक्सपायर होने वाला है, ना इसकी कोई डिमांड खत्म होने वाली। हाँ, हमारे पास जो आया था उस समय ये था कि हम लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन आज तो आप सोचिए कि हर कोई ऑनलाइन का दीवाना है, तो मुझे लग रहा है कि अब तो आपको इसको प्रमोट करने में कहीं से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।